हमारा सतगुरु खोली रे दुकान सौदागर सौदा कोई कोई कि भाई जिसका मन है वो सौदा कर सकता है, जिसका मन कमजोर है वो इस सौदा लायक नहीं है भाई। इसलिए महापुरुष कहते हैं हमारा सतगुरु मांडी रे दुकान सौदागर सौदा कोई कर सकता भाई। इसमें कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है, कोई बड़ा छोटा का भेद नहीं है। इसलिए अपने को गुरु महाराज से सौदा कर लेना है भाई। क्या करना है? कभी कभी गुरु महाराज को पूछना, पास में जाना कि गुरु महाराज इस जीव की मुक्ति कैसे हो गई, क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए मेरे को। मगर अपन कभी मुक्ति नहीं मांगी, जाके गुरु महाराज को कियो को मारो बेटो सुखी में होना चाहो, मारो घर सुखी में होना चाहो, मारे पैसा टका होना चाहो, गुरु महाराज मुक्ति की बात नहीं करी अपन। वो कहने के अरे मारा डावा हाथ को खेल मुक्ति मुठी में, मुक्ति दूसरे का गुस्सा में कौन है भाई, अपने पास है, अपना हाथ में है। अगर मुक्ति करना चाहो तो गुरु महाराज जो कहे वो कर लो, नहीं करोगे तो मामला बैठेगा नहीं। जिन जिन लोगों ने किया है आपके सामने देखो, हमारे कैप्टन साहब बैठे हैं, 20 साल की नौकरी करने के बाद में भी इस जीवन को आगे पीछे नहीं किया। कष्ट आया, बहुत तकलीफ आई, बहुत बर्फ सहा, बहुत ठंड सही, खूब गोलियों के सामने रहे, मगर फिर भी गुरु का वचन को नहीं छोड़ा। इनको कहते हैं सच्चा शिष्य। आपने तो बीआई जी आ जावे थोड़ा छोका छोरी का नया नया बीआई जी बिना मैंने थोड़ा दिन पहले छोरा का के बीआई जी क्या हटी ना हो ना कहीं ये थोड़ो कर लिया बीआई जी की ओके मारे चाले को ना जी। अरे बीआई जी मारी बात न मानो की यार से वाह कई बात को न ले हो फिर ओ कर लियो आप तो मामला उतरो भाई जो अच्छा महाराज कर जाएगा क्या भाई सेला क्या ठीक है मामलो के ठीक तो है महाराज मन बीआई जी आ गया बचमो बचमो बीआई जी आ गया कहीं करा थे तो मोड़ा कड़ा आया जो मामलो बगड़ गयो मारो तो कहीं करो तो बोलो साची बात है कहीं आप है ही नहीं सच सांस तो है ही नहीं थोड़ो दाब पड़ते ठीन लुड़ जावा ठीन लुड़ जावा। सत तो कड़क होता भाई टाइट होता सत का मतलब जैसे राजा हरिचंद ने क्या करे भंगी के घर बेच दिया कहीं छोड़ियो कहीं बेचत ने रानी ने बेच दी बेटा ने बेच दियो धन दौलत सब हटा दिया बताओ छोड़ियो कहीं में नहीं छोड़ियो। आप हम थोड़ो दुकाती बाहर मैं एमपी की हो जो एक भाई कह रही हो महाराज मुखियो रे चेला नेड़ो ही नहीं है आजकल क्या हम कहीं महाराज थाका चेला बनिया जाड़ के कहीं नहीं मगत फायदो खराब बड़ बजे पूरा छोड़ो मैं कहीं पड़िया गया। तो बोलो कैसे सत नजदीक आएगा विचार करो आप जरा हाँ कि हमारा चेला बनिया जो कहीं फायदो नहीं होते मैं देखियो खाए ना फालतू लपड़ा खराब रे बजे बड़ा ये वास्ते नेड़ो ही नहीं आयो अच्छा चला तो काम चले भाई नहीं चले इसो करो। अरे गुरुजी तो तन मन धन सारा अर्पण करे आप कियो के तन मन गुरुजी अकलो ही थाको है नहीं नहीं करियो कहीं भी टेम। अरे तन मन तो अकला आपना कन है गुरुजी के तो कहीं कौन दियो कहीं नहीं लियो अच्छा अर्पण कटे भी अर्पण तो वी आई कौन आप भाई के पिताश्री कहता मन एक बार कई बार बात कहता सत्संग में कह के गुरु महाराज चेला के घर किया जैसे चेला के मोटी मोटी बात करे चेलो घर में ले जाओ गुरु महाराज ना के गुरु महाराज एक घर मकान भी आपका है कहीं कह रही हो चेलो कि आपका गुरु जी मारा को ना फिर बेरा पे ले जाओ के गुरु ओ बेरो ओ भी आपको गुरु जी ए खेत ए भी आपका और रजको बे मिलो ओ भी आपको पाछो घर ले आयो घर फेर गयो आहेली अभी आपकी गुरु जी यान करता करता आ दुकान अभी अपनी है गुरु जी आपकी है कपड़ा कपड़ा हाय दुकान में जब गुरु महाराज की ओर चेला मैं थोड़ा मीटर खंड कपड़ो दे दे रे मु दुख पाऊं चेला कदी पानी वाणी छानू गुरु मारे काम में लेऊं तो कोई कपड़ो वे तो दे दे गुरु चेलो केरी चेला ने केरियो गुरु महाराज ये तो चेलो ने गुरु महाराज बाजे तो बढ़िया आयोड़ो कोना कपड़ो
हड़को कपड़ो है। अब कहते पासे आओ ना, ये दाड़ो बम्बोई में बढ़िया वालो कपड़ो मंगाओ आपके लिए, बाहर थोड़ो हड़को कपड़ो है। चेलो नटकियो तो गेरो महाराज देखियो रे गड़बड़ में मामलो तो काई खरा। थोड़ी देर में घर की गराड़ी सुन रही भी भाया की के महाराज से कई बात करा गुरु चेला के करा कई भाई ईशान की बात करा के मारा मीटर खांड कपड़ो चावे कोई पानी आनी छानो चुनी करू कदी तो मारा मीटर खांड कपड़ो चावे के गुरु जी महाराज थाको चेलो जी। हाँ भाई है तो सही तो गुरु जी थाको चेलो को न हो के क्या बना के देख जो वार थोड़ी देर में थे बाकी के तो बैठ जाओ छाना माना। गुरु महाराज ने एटा बटान दिया थोड़ी देर पसी भाव बनायो हो 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 करियो के डाकन डाकन वो घरालो क्यों रहा कहीं भेजो लक्ष्मी माता के वियो कही के बस काम खराब हो गयो मारे कहीं भी हो के भूत लाग गयो मने तो कहीं करनो पड़ी के करनो कहीं पड़ी के सुनो मारी बात के एक ही बात कहूँ हाँ बोलो अंदा था के अपनी दुकान बना सबके ऊपर ही ऊपर पड़ियो 21 मीटर को थान वो लियाओ नीचा और 21 बार मारो पर उवारो जद ठीक रहे हूं मैं जद चेलो दौड़े दौड़े जार फटा के उतार ले जल्दी थान ने लियार वार उरन वा ठीक वे की वा वा पछे की हो गए ई दान ना राख जो मत कोई संतन दे दीजो या कटे कटे दे दीजो बांट दीजो हम बा केरी कर की करवाली जद की हो काई कर के गुरु महाराज आयोला या नहीं दे दियो हां दे दियो वा गुरु महाराज ने 21 मीटर को थान दे दियो और बा तैयार वे की हो गुरु जी बोलो चेलो थाको है मारो है बताओ के भाई लक्ष्मी थारो ये हो तो मारो तो चेलो ही कोना भाई है नी तो आपने कने तो कई अतरी की ताकत है। गुरु महाराज की हो लक्ष्मी थारो है तो मारो चेलो तो ही कोना तो भाई ऐसे चेलो भी कई काम को निर्भय हो चेला तो सदा सदा के लिए गुरु जी का चरण के अलावा कहीं बात नहीं करता है नी चरण के सिवा कभी भी कुछ बात नहीं करता है। वो कहना मिलता है सच्चा सुख दे केवल गुरुदेव आपके चरणों में। चरणों की पूजा कही जाती है और गुरु महाराज की तो बार बार जब याद आती है तो फिर आंख में आंसू निकल जाते हैं भाई निकल पड़ते हैं आंख में। जब भी हृदय से आप याद करोगे करते ही आंख में आंसू आ जाएंगे कि हाँ 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 क्या बात है मेरा गुरु जी ने मेरा जीवन किधर जाता था और क्या करता था मेरा मेरा जीवन क्या हो गया। धन्य हो ऐसे गुरु को तो मेरे को आज सत मार्ग बता के मैं आज इस जगह बैठा हूँ। वाह 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 गुरुदेव आपकी जय जय हो। इसलिए भाई दो मिनट अपन गुरु महाराज की जय बोलेंगे सब लोग गुणगान करेंगे सब बोलना महिमा अनंत गुरुदेव जी के नाम की बोलो करो देव जी के नाम की हे महिमा अनंत गुरुदेव जी के नाम की महिमा अनंत गुरुदेव जी के नाम की महिमा अनंत गुरुदेव जी के नाम की ये बोलो गुरुदेव की जय बोलो भगवान की ये बोलो गुरुदेव की जय बोलो भगवान की नाम की जय बोलो गुरुदेव की जय बोलो भगवान की बोलिए जय बोलो गुरुदेव की जय बोलो भगवान की गुरुदेव आपकी जय जय हो गुरुदेव आपकी जय जय हो गुरुदेव आपकी जय जय हो गुरुदेव आपकी जय चाहिए कि गुरुदेव आपकी जय हो आपकी जय हो आपकी जय हो। जैसे हृदय का तार कब जुड़ता है आपस में चाहे कोई भी आदमी हो
हृदय का तार कब जुड़ेगा आप बताओ? जब अंदर कपट नहीं होगा आपस में तो हृदय का तार जुड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी जुड़ेगा या जुड़ता है? कपट में जुड़ेगा ही हृदय को तार, निष्कपट होएंगे, साफ सुथरा जब हृदय होएगा तो हृदय अपने आप से बोल जाएगा कि ये बात है। जैसे वो कहे ना कि गुरु महाराज चेलो भली याद नहीं करे गुरु महाराज ने, मगर गुरु महाराज चेला नहीं याद करे कि वाह 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 मारे चेलो वे तो ऐसा हो, मेरा चेला वो तो ऐसा हो, क्या सेवा करता है, क्या मेरी बात मानता है, कितनी मेरी आज महिमा को बढ़ाई है, कितना क्या किया है। वही शिष्य धन्य होता भाई। जैसे हमारे सरदार जी महाराज ने आज पिताश्री जीवित थे उस समय मेरे को कहते थे कि उधर के एरिया में तो सरदार जी महाराज है बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीवित कहते थे वो कि सरदार जी महाराज को चादर दी हुई है, उधर उधर के एरिया में तो सरदार जी महाराज संभाल लेंगे एरिया को। इनको मालूम था कि ये योग्य चीज है, ये काम की चीज है, इसलिए उन्होंने पहले पक्का करके पक्का कर दिया कि कुछ नहीं। ऐसे हृदय की बात होती है भाई, बिना हृदय कुछ नहीं होता भाई।